नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ में ये भारत पेट्रोलियम का पंप है, सलूजा पंप भी कहते हैं इसको। और यहाँ बीती रात एक बड़ी चोरी हुई है, लूट तो नहीं कहेंगे, चोरी हुई है। और चोर पानी पीने के बहाने घुसा। बात करेंगे हमसे, हमारे साथ ये हैं, क्या नाम आपका? जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, क्या हुआ था जितेंद्र जी? वो हम तो तेल डाल रहे थे, सब चार लड़के थे जैसे जी, वो हमसे ये भी नहीं। कितने बजे करीब की घटना है ये? छह सवा छह के करीब की बात है, रात को, कल शाम को। कल शाम को जी वो आया, हमको ये भी नहीं पता अंदर गया नहीं गया, हमको तो ये कि आते रहते पानी पीने के लिए आया होगा कोई। अंदर पानी का वो अंदर ही रखा पानी का? हाँ, ऑफिस में पानी लगा रखा मालिक, और पानी पीने के बहाने आया। हमने ये भी नहीं देखा कि क्या कर रहा क्या नहीं, बाहर से अंदर दिखता नहीं है दिन में। हाँ ये आपने लगा? हाँ ये नहीं दिखता जी, वो पानी पीने के बाद। उसके बाद में हमने शाम को कैश अंदर तिजोरी में डालने के लिए गए, तो हमें कैश नहीं मिला उसमें। कितने बजे डालने के लिए गए हम? उससे बस आधे घंटा बाद, आठ साढ़े आठ बजे गए थे। उसको जैसे ज्यादा कैश हो जाता तो हम अंदर तिजोरी में डाल देते हैं। कितना पैसा था ये? ये 65,000 रुपया था। हाँ जी जी। अच्छा, तो फिर नहीं मिला पैसा? नहीं, वो पैसा नहीं मिला। फिर हमने देखा कि आपस में पूछताछ करी थी हमने, और किसी ने किसी की चाबी हाथ आ गई हो, आप रख लिया हो आपस में, तो आपने सिर्फ सबने मना कर दिया, हमने किसी ने नहीं रखा। फिर उसके बाद में हमने कैमरा चेक करे जी, कैमरा चेक करने के बाद वो कैमरा में आया था, कैमरे में आया। हाँ जी, तो आपको दिखाएंगे फरीदाबाद। यही वो कमरा है जिस कमरे के भीतर आदमी पानी पीने के लिए घुसता है और भीतर जाकर पैसे चुरा लेता। ये देखें आप, ये देखें, यहाँ हम आपको दिखाएंगे। ये देखें, ये वो सीसीटीवी है जिसमें वो रिकॉर्ड हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये सीसीटीवी कैमरा है जिसमें वो रिकॉर्ड हुआ है, आपकी जानकारी के लिए बता दें। और ये देख, थोड़ा सा दिखा दें एक बार। ये पानी पीने का आप डिस्पेंसर रखा हुआ है यहाँ, आप देख सकते हैं। इसी डिस्पेंसर में के बहाने, पानी पीने के बहाने, अब आप ये देख सकते हैं इस पंप पर, यहाँ बाहर दिखाई देता है लेकिन बाहर से अंदर नहीं दिखाई देता। ये जो इस पे एक शील्ड लगी है, स्क्रीन लगी है, इस स्क्रीन के माध्यम से बाहर देखा जा सकता है लेकिन भीतर नहीं देखा जा सकता। और ये देख सकते हैं आप, ये जो डिस्पेंसर रखा है, इस डिस्पेंसर में पानी होता है और यही पानी पीने के बहाने व्यक्ति यहाँ पहुँचा है। और पहुँचने के बाद अभी आपको वो सीसीटीवी फुटेज जो यहाँ इस कैमरे में कैद हुआ है वो भी आपको दिखाएंगे, और दिखाएंगे कि 65,000 रुपए की चोरी कैसे हुई है, ये 65,000 रुपए कैसे लेके गया, ये यहाँ उसने आकर खखोड़ा है इन दोनों को। और उसके बाद जब ये यहाँ देखने के बाद उसे महसूस नहीं हुआ, तो ये जो ड्रॉर है ये देखें, अभी तो इसमें चाबी लगी है लेकिन ये जो ड्रॉर है, इस ड्रॉर में पेचकस और एक पन्नी की मदद से, पोलोथिन उसके हाथ में था, उसकी मदद से उसने यहाँ इसको खोला है और खोलकर 65,000 रुपया लेकर अलोप हो गया है, चंपत हो गया है। आप सोच सकते हैं फरीदाबाद, पानी पीने के बहाने, निश्चित रूप से उसको जानकारी होगी कि इस कक्ष में घुसा जा सकता है, किस काम के लिए घुसा जा सकता है। मतलब ये जो कमरा है, इस कमरे में पानी पीने के लिए घुसा जा सकता है, रेकी की होगी उसने। और अभी वो वीडियोस भी आपको दिखाएंगे हम, वो वीडियोस दिखाएंगे आपको, जिन वीडियोस के माध्यम से, थोड़ा सा दिखा दें उस्ताद जी। जी जी, उन्होंने ले लिया है, उन्होंने ले लिया, आप थोड़ा सा दिखा दें एक बार। ये वीडियो देखें आप, ये देख लें आप, ये देखें, अभी निकाल रहे हैं। लाइव है, बाबा भवंडर हैं, अभी बताएंगे इनका नंबर भी, अभी नंबर दे देंगे आपको। ये देखें आप, ये देखें फरीदाबाद, इसी सीसीटीवी से हम भी लाइव है ना, इस समय लाइव है हम। एक मिनट भेज रहे हैं, एक मिनट बोल दो उनको। जी जी जी, एक बार वीडियो हम दोबारा से फ्लैश करते हैं।
इसके साथ ही मैं वाइंड अप करूंगा मेरे। और ये देखें, ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप देखें और शायद आप इसे पहचान पाए। ये जो व्यक्ति अंदर घुसेगा, ये देखें, ये प्ले हो गया है और शायद आप इस व्यक्ति को पहचान पाए। ये देखें, सामने की तरफ जाएगा, सामने की तरफ जाकर, और ये देखें आप, ये फिर ये इधर खड़ा लेगा, ये वीडियो हम आप, ये देखें सामने जो मैनेजर की कुर्सी रखी है, ये देखें, और उसके बाद ये देखें, नहीं खुला, ये भी नहीं खुला, और फिर जेब से ये देखें, ये एक पेचकस और शायद कोई रुमाल है या पोलोथिन है, और उसकी मदद से ये देखें, ये खोल लिया है, इस ड्रॉर को खोल लिया है, और खोलने के बाद पैसे की जो गड्डी है, बंडल है, उसे जेब में रख के तुरंत पानी पीने के, एक बार और दिखाएंगे आपको, ये देखें, ये पूरी घटना जो है ये एक मिनट से भी कम समय में अंजाम दे देता है। ये व्यक्ति घुसा है, इधर दिखा दें, ये यहाँ पहुंचा है, ये देखें यहाँ पहुंचा है, और यहाँ पहुंचने के बाद फिर ये व्यक्ति वहाँ ढूंढ रहा है, ये देखें वहाँ ढूंढ रहा है, लेकिन उसे वहाँ कुछ समझ नहीं आता है। इसके बाद ये व्यक्ति इसी टेबल पर आता है, और इस टेबल पर आने के बाद यहाँ इस जगह पर आता है, और ये देखें उसके बाद यहीं इस टेबल पर ये अपनी जेब से कोई पेचकस निकाल कर, कोई औजार निकाल कर, ये देखें एक ही झटके में इस ड्रॉर को तोड़ देता है, खोल देता है, और उसमें से अंदर रखा पैसों का जो बंडल है, उस बंडल को बाहर निकाल लेता है। फरीदाबाद, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम लोग हैं फिलहाल सलूजा पेट्रोल पंप है, बीपी का पेट्रोल पंप है, सेक्टर ये बल्लभगढ़ में हाईवे पर है, और ये देखें लगातार मीडिया के हमारे साथी यहाँ पहुँच रहे हैं, और बहुत चलने वाला पंप है, पूरा बल्लभगढ़ यहीं से तेल खरीदता है। ये हाईवे है, सामने दिखा दें, और यहाँ ये निश्चित रूप से ये जो घटना हुई है फरीदाबाद, आप समझ सकते हैं ये घटना रेकी की गई होगी, पहले इसके लिए बाकायदा आकर रेकी की गई होगी, और रेकी करने के बाद उसने पहचाना होगा कि इस कमरे में, जिस कमरे में कैश होता है, उस कमरे में मैनेजर साहब का ये जो कमरा है, इस कमरे में पानी पीने के बहाने घुसा जा सकता है, और पानी पीने के बहाने वो चोर इसके भीतर घुसा है, और घुसने के बाद उसने वहां से पैसे निकाले हैं ड्रॉर तोड़कर, जेब में जो पेचकस रहा होगा या कोई और ऐसा ही औजार रहा होगा, उसके माध्यम से ड्रॉवर को खोल दिया उसने, और खोलकर पैसों का जो बंडल वहां रखा था, पैसों की जो गड्डी वहां रखी थी, उसे जेब में डालकर चलता बना। आपको हमने दिखाया, शायद आप पहचान पाएं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।